हेलो एवरीवन, वेलकम टू आडियो 247। आडियो 247 रो ओडिया यूट्यूब चैनल को मु विभूति दास आपन सब वेलकम करू छन। पिला माने आज हमे ओडिसा पुलिस कांस्टेबल पई किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा, जो क्वेश्चंस की तुमर अपकमिंग एग्जाम खास कर ओडिसा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो। पिला माने टाइम वेस्ट जमा करबा, सेशन को स्टार्ट करबा, फटाफट लिंक को शेयर कर रखो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर का रजिस्ट्रेशन अटैच करा। पिला माने ओडिसा पुलिस कांस्टेबल रो एग्जाम हो पई जाउ छ, ता पई क्लियर जबरदस्त क्वेश्चंस नहीं क्या सी, जो क्वेश्चंस तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम पे बहुत 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 हेल्पफुल हो पिला माने। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सत्यजीत, दीपक, मेघा, एकलव्य, भानुप्रताप, देवस्मिता, अभिजीत, स्वराज, संतोष देवरी, आशुतोष, अर्पिता, अर्चना, तृप्तिमयी, अपराजिता, धोका, पिंक्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग पिला माने, वेरी गुड इवनिंग। ठीक अच्छे, क्लियर, चलो रिपोर्ट। शशिकांत, वेरी गुड इवनिंग। एंड अर्जू, मिस्टर संतोष देवरी, अपराजित, चलो पे बहुत बड़ा क्वेश्चन डिस्कशन कर चलिए। वेरी गुड इवनिंग पे शुभ संध्या एंड आड्डा ओडिया प्लाटफर्म को तुम समस्त स्वागत। पे आज मोटिवेशनल थॉट तुम्हारा रोच, सम्मान किए देव का देव बा न देव, सम्मान किए देव बा न देव, से किसी जायज ना, कि तुम्हें तुम कर्तव्य कर चल, समय तार सठिक जवाब देव। ये पे मैंने तुमको किए सम्मान दौर दौनि से किसी जाए आसा ना। पे तुम तुम कर्तव्य कर चल, समय तार ठीक जवाब दब। आशा कर मोटेसनाल थट तुमको बहुत 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 मोटेट कर, क्लीअर बुझला। चलो वेरी गुड इवनिंग पे शुभ संध्या एंड आड्डा ओडिया प्लाटफर्म को तुम समस्त स्वागत, क्लीअर। चलो ब्रेन आगो जावा एंड आड्डा 247 आप प्ले स्टोर एवेलेबल अच्छे, तो प्ले स्टोर तुम समस्त आड्डा 247 आप इनस्टल कर क्लासेस का आफ्टर कंटिन्यू कर। एंड टेलीग्राम चैनल जो जॉइन करिनो पिला माने एबे ही टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर दियो, अपडेट इनफॉरमेशन तुम समस्त आड्डा 247 ओडिया रो, क्लियर टेलीग्राम चैनल रे पाइजो पिला माने। वेरी गुड इवनिंग स्माइली, हैप्पी सीड्स, ओके वेरी गुड इवनिंग मिस्टर चिंतेस, वेरी गुड इवनिंग सुधांशु, अरे अरे सुधांशु, अच्छा ठीक है सुधांशु, वेरी गुड इवनिंग पिला माने, मिस यू। चलो सेशन को स्टार्ट करिबा, तो सेशन को स्टार्ट करिबा आ जमार टाइम वेस्ट करिबा ने। वेरी गुड इवनिंग सुधांशु, हां मेरा सर, चलो वेरी गुड आगो जीवा। एंड पिला माने 247 रो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करनो, एबे पिला माने सब्सक्राइब कर दियो। ओके चलो सेशन को स्टार्ट करिबा, फटाफट क्वेश्चन रो आंसर ओटा कहि चलो पिला माने, क्लियर फटाफट क्वेश्चन आंसर ओटा कहि चलो। देखियो फर्स्ट आंसर के को, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग, क्लियर अनिल एंड वेरी गुड इवनिंग, लव यू। चलो फटाफट क्वेश्चन आंसर कहि चलो, तो क्वेश्चन आसला सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बेंगल इन 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस को द्वारा पिला माने क्लियर कोटा फाउंडेड हेतला। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग पिला माने, वेरी गुड इवनिंग धोका, समरजीत, वेरी गुड इवनिंग शुभ संध्या एंड आड्डा ओडिया प्लाटफर्म तुम समस्त स्वागत। क्वेश्चन आंसर कहो, क्वेश्चन आंसर कहो पिला माने, जल्दी कहो क्वेश्चन आंसर कही चल पिला माने। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बेंगल 1876, क्लियर। तो जानी रखा दरकार, जदि कहबा सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस को द्वारा पिला माने कोटा फाउंडेड इथला बेंगल रे, जानी रखा दरकार। तो आमे कहबा जदि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस को द्वारा पिला माने जदि कहबा कोन फाउंडेड इथला, इंडियन नेशनल एसोसिएशन विद द आनंद मोहन बोस, तो आमे कहबा पिला माने कोन माने कोटा फाउंडेड इथला ना इंडियन एसोसिएशन पिला माने, तो आंसर हबो सी ऑप्शन, तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो। केबे फाउंडेड इथला 26 जुलाई 1876 रे फाउंडेड इथला, केबे पिला माने 26 जुलाई 1876 रे फाउंडेड इथला। डाउट क्लियर, आंसर हबो तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हबो पिला माने। ओके एट तो जानि रखा दरकार, तापर कहबा पिला माने लेटर द लेफ्ट कांग्रेस एंड फॉर्मड इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन इन 1919, बट आम जब कहबा सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस को द्वारा कौन फाउंडेड इथला ना इंडियन एसोसिएशन, वेरी गुड बहुत बड़ा। अच्छा पिला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कह पारे कि हुए द फॉलोइंग वाज़ द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध लास्ट नवाब किए, जल्दी कहो अवध लास्ट नवाब किए, अवध लास्ट नवाब किए, जल्दी कहो मोहम्मद मुकिम, नाम कहबा अमजद अली खान ना सदत अली खान, नाम कह पिला वजीद अली शाह, जल्दी कहो। तो क्वेश्चन आसला हुए एमंग द फॉलोइंग वाज़ द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध लास्ट नवाब किए, जल्दी कहो, जल्दी कहो लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध लास्ट नवाब किए, नवाब ऑफ अवध लास्ट नवाब किए पिला, जल्दी कहो, जल्दी कहो।
लास्ट नवाब किए पा अवध्र जल्दी कह फटाफट क्वेश्चन रे कंसेंट्रेट कर चल क्वेश्चन रे कंसेंट्रेट कर चल पे कौन हम अवध्र जब कह लास्ट नवाब किए तो तुम समस्ते कनसेट्रेट कर दरकार सी हो कि वजीत अली शाह जी लास्ट नवाब आस पे डाउट क्लियर बुझीपार वेरी गुड बहुत बड़ा आंसर हम पे वजीत अली शाह वाज द टेन्थ एंड लास्ट नवाब ऑफ अवध डाउट क्लियर एंड नौ वर्ष काल निज पोजिशन को बजाय रखते पे क्लियर 13 February 1847 टू 11 February 1856 पर्यंत मीन्स आम कह केतज नवाब ना ये कह टेन्थ नवाब एंड जब कह टेन्थ एंड लास्ट नवाब जो कह सी ना वजीद अली शाह पे अल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कह हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जल्दी कह हिमालयन माउंटेन रेंज पे को टाइप ऑफ माउंटेन फटाफट आंसर कह चल हिमालयन माउंटेन टा हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन तो जब हिमालयन माउंटेन रेंज कह तो को टाइप ऑफ माउंटेन जान रखा दरकार तो हिमालयन माउंटेन रेंज फोल्ड माउंटेन पे ओके फोल्ड माउंटेन क्लियर तो तुम्हें समस्त मन रखा दरकार केते टाइप रो माउंटेन अच्छी आम कह फाइव टाइप रो माउंटेन अच्छी कौन कौन ना फोल्ड माउंटेन आम कह फोल्ड ब्लॉक्ड माउंटेन ब्लॉक्ड माउंटेन कहते डोन माउंटेन कहते वोल्केनिक माउंटेन कहते प्लाट्यू माउंटेन कहते हिमालयन माउंटेन जब कह फोल्ड माउंटेन तो फाइव टाइप रो माउंटेन अच्छी कही रखे गोटे से फोल्ड माउंटेन ब्लॉक्ड माउंटेन डोन माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन प्लाट्यू माउंटेन तो हिमालयन माउंटेन रेंज टा फोल्ड माउंटेन आस पा मैंने वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन क्या अर्थ रो लाइक ट्विन को आसे अर्थ रो ट्विन को आसे सुधांशु जल्दी आंसर कही चल सुधांशु जदि मत सुनी पार्छ फटाफट क्वेश्चन आंसर कही चल तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन क्या अर्थ रो ट्विन को आसे जल्दी कहो अर्थ रो ट्विन मर्क्यूरी को ना वेनस को ना जुपिटर को ना सैटर्न को हु कैन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इट्स आल्सो नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ बा हम का अर्थ ट्विन कोडा पिला माने तो जानि रखा दरकार कहा का में कोछन अर्थ ट्विन कदा भी क्वेश्चन को भूल करिवनी से उची वेनस वेनस इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन डॉट क्लियर काहे के ना अर्थ रो साइज वेनस रो साइज जेतु समान रहउ छि पिला माने त हम कहबा वेनस तुमरो करेक्ट आंसर हबो तो अर्थ ट्विन का हम कहउछे ना वेनस को ऑल क्लियर बुझी पारिले पिला माने वेरी गुड बहुत बडा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे बाबा अमते इज नोन फॉर Which of the following social work? जल्दी आंसर कह जल्दी जल्दी आंसर कह चलिए बोले आशुतोष आशुतोष पढ़ी जल्दी आंसर कह आशुतोष फटाफट क्वेश्चन आंसर कहे ओडिशा जी के क्वेश्चन अच्छी अनिल ओडिशा जी के क्वेश्चन को मैं ऐड कर डोंट वरी ओडिशा क्वेश्चन अच्छी डोंट वरी बाबा आमते इज नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क तो बाबा आमते कहा सहित रिलेटेड पिला माने बाबा आमते कहा सहित रिलेटेड मिस्टी वेरी गुड इवनिंग वर्क फॉर पुअर एंड होमलेस पीपुल वर्क टू सेव गंगा वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट नाम कह वर्क फॉर लैंडलेस लेबर्स तो क्वेश्चन आंसर कौन बाबा आमते नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क तो पे मन रखा दरकार वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट तो बाबा आमते जे कि कौन ना लेप्रोसी पेशेंट मानों पर कम करते पे आंसर कौन ना वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट तुम करेक्ट आंसर हम पे ऑल क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट तुम करेक्ट आंसर हम पे कहीपर कि जी कह इंडियन स्टेट जी कह पे इंडियन स्टेट नेपाल रो बाउंड्री शेयर करुछ क्वेश्चन आसला हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल तो हमर उडे जदि कहबा नेबरिंग कंट्री नेपाल नेपाल सहित केतरा इंडियन स्टेट पिलाने बाउंड्री शेयर करुछ तो नेपाल सहित हम कहबा केतरा इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करुछ कदापि तुम्हें क्वेश्चन को भूलिबनी पांचटा इंडियन स्टेट नेपाल सहित बाउंड्री शेयर करुछ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल सिक्किम जोडा कि नेपाल सहित बाउंड्री शेयर करुछ पिला माने ऑल क्लियर बुझि पारिलो वेरी गुड नेपाल सहित केतरा बाउंड्री केतरा स्टेट बाउंड्री शेयर करुछ ना पांचटा स्टेट मनोरंजन चारि हेबनी मनोरंजन पांच हेब कौन कौन ना उत्तराखंड नेक्स्ट कह उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल सिक्किम वेरी गुड नेक्स्ट पिलाने कोई परियो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे एटा क्लियर व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑन द हम कहे वेस्टलैंड पिला माने कंसेंट्रेट करके शुणी मुझे कहे वेस्टलैंड वेटलैंड कहनी वेस्टलैंड कहे ओके तो व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया तो जब कह इंडियन स्टेट रे अधिक वेस्टलैंड अच्छी हु कैन से वेटलैंड कहनी वेस्टलैंड कहे कंसेंट्रेट करके शुणा दरकार Which Indian state has the largest share of wasteland in India? Wasteland कोई चीज़ बिलामने? जल्दी कोई बो। Wasteland कोई चीज़? Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan. फटाफट क्वेश्चन आंसर कोई बो। Which Indian state has the largest share of wasteland? Wasteland कोई नहीं बिलामने। बार-बार कोच that is wasteland कोच। जानी रखा तो कर। कोता भी भूली बन Rajasthan। तो जानी चो area wise largest state जो दी कोई बा। सिकोना से ना Rajasthan आते। And जो दी मन रखा तो कर राजस्थान इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया मन रखा दरकार तो कौन हम ना लार्जेस्ट वेस्टलैंड आस मन रखा दरकार लार्जेस्ट वेस्टलैंड शेयर करुच्छे किए पे से राजस्थान
गुजरात हबनी राजस्थान हम मुझे वेस्टलैंड वेस्टलैंड ओके वेरी गुड व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबर आइलैंड तो अंडमान निकोबर आइलैंड रो अंडमान निकोबर आइलैंड रो हाईएस्ट पीक टा कोडा व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबर आइलैंड अंडमान निकोबर आइलैंड रो मु तुमको बार बार कोची क्वेश्चन पढ़ी के आंसर कहबे मु वेटलैंड कहनी वेस्टलैंड कोची वेस्टलैंड व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबर आइलैंड क्वेश्चन को पढ़ी के आंसर कहबो क्वेश्चन को पढ़ी के आंसर कहबो जल्दी कहबो तो व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबर आइलैंड तो अंडमान निकोबर आइलैंड रो हाईएस्ट पीक टा कोडा जल्दी कहबो माउंट कोया माउंट हम कहला ने क्लियर देवलो नाम को सैडल पीक या माउंटेन माउंट हम कहला ने कोनो ना थ्विलर तो पहले मैं जानी चो इजी क्वेश्चन टा एडा सैडल पीक हम कहबा जडा के हम का हिमालयन सॉरी अंडमान निकोबर हाईएस्ट पीक टा तो अंडमान निकोबर हम जति को हाईएस्ट पीक कोन आसे ना से आसे सैडल पीक तो सैडल पीक नेशनल पार्क मधे तुम जानी थिबो अंडमान निकोबर अछि बट हम गिर मन रखा दका हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबर आसले मन रखा दका से से सैडल पीक वेरी गुड बहुत बडा जारे हाइट केता से 2402 फीट आसे जारे हाइट ओके 2402 फीट जारे हाइट आसे बला वेरी गुड बहुत बडा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हु कैन से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लीगल राइट ना फंडामेंटल राइट्स ना ह्यूमन राइट्स या नेचुरल राइट जल्दी कहबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को राइट्स अंडर आसे जल्दी कहबो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कथा को बार बार तो मानु को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच राइट्स जल्दी आंसर कह देखा फर्स्ट आंसर के कहछन जल्दी आंसर कहबो फटाफट आंसर कह देखा फर्स्ट आंसर के कहछन लिंक को शेयर कर इचला पिला माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करो क्लियर तो क्वेश्चन दला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच राइट्स को राइट हो पिला माने जानि रखा दरकार तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर यो छ कोन फंडामेंटल राइट्स पिला माने को राइट्स हबो दैट इज फंडामेंटल राइट्स हबो ऑल क्लियर बुझि परिलो तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑल क्लियर वेरी गुड बहुत बड़ा तो एडा क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना तुम्हारो फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा राइट आंसर हबो यस व्हिच इंस्ट्रूमेंट व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अननोन सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्स तो पिला मन लाइक कोइबा लाइट रो इंटेंसिटी सिंपली जदी मु कोइबी लाइट रो इंटेंसिटी को मेजर करया पे को इंस्ट्रूमेंट यूज करा से लाइट रो इंटेंसिटी को मेजर करया पे को इंस्ट्रूमेंट यूज करा जल्दी कहबो व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड सोर्स तो हम जदी कहबा सिंपली मु कोइबी लाइट इंटेंसिटी को मेजर करया पे को इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय पिला मन जानि छो डायनामोमीटर एमीटर करंट वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज डायनामो कहबा मैकेनिकल एनर्जी टू कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाकी आसला फोटोमीटर तो फोटोमीटर आसले कोन सना लाइट इंटेंसिटी मेजर करया पे फोटोमीटर यूज करा जाय तो सिंपली हमें कहबा फोटोमीटर काम कोन लाइट रो इंटेंसिटी को मेजर करया पे को इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय ना फोटोमीटर यूज करा जाय आंसर कोन हम तोर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हबो पिला माने अड्डा स्टोर जे कोनसी बैच को एनरोल करूचो सिंगल प्रोमो कोड Y281 प्रोमो कोड यूज करबे जमा भूलिबानी जोधा ओडिसा पुलिस कांस्टेबल बैच लक्ष्य 2.0 SSCGL रो बैच सार्थक प्रो हाई स्कूल टीचर बैच ओडिया बैकग्राउंड बुक ओडिया स्टडीज का महापैक जे कोनसी बैच को एनरोल करूचो सिंगल प्रोमो कोड Y281 यूज करबे जमा भूलिबानी आवर रिजोल्यूशन इज योर सिलेक्शन यस पिला माने यूज माय प्रोमो कोड Y281 एंड गेट फ्लैट 17% डिस्काउंट वेरी गुड नेक्स्ट पिला ने क्वेश्चन आसला हु अमंग द फॉलोइंग इज और वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश रो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के जल्दी कहबो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के हु अमंग द फॉलोइंग इज और वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के पिला माने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जानि रखा दरकार जमारो क्वेश्चन को भूलिबानी बर्तन की अछंदी शेख हसीना तो शेख हसीना लॉन्गेस्ट सर्विंग हम कहबा क्लियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड जे की पिला माने बांग्लादेश रो फर्स्ट प्रेसिडेंट क्लियर हम कोचे शेख मुजीबुर रहमान कर पिला माने जियो थिले एंड शेख हसीना होछन लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम पिला माने वेरी गुड बहुत बड़ा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एग्जाम रे बनी पारे वर्ल्ड वाटर डे को हम केबे सेलिब्रेट करू छु वर्ल्ड वाटर डे जल्दी कहबो वर्ल्ड वाटर डे हु कैन से वर्ल्ड वाटर डे को हम केबे सेलिब्रेट करू छु लिंक को टिके शेयर करि चलो पिला माने लिंक को टिके शेयर करि चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करो सेशन को लाइक भी करो तो फटाफट आंसर कहबो पिला माने क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी कहबो देखा फर्स्ट आंसर के कहछन जल्दी आंसर उडा कहि चलिबो तो फर्स्ट क्वेश्चन तुमान पई रहला सॉरी ए जो 12 नंबर क्वेश्चन तुमान पई रहला पिला माने क्लियर ना वर्ल्ड वाटर डे को हम केबे ऑब्जर्व करछु वर्ल्ड वाटर डे हु कैन से वर्ल्ड वाटर डे तो जानि रखे दरकार वर्ल्ड वाटर डे जमर भूलिबानी 22 मार्च को पिला माने वर्ल्ड वाटर डे सर ऑब्जर्व करछु पिला माने
ऑल क्लियर बुझिपाल तो वर्ल्ड वाटर डे आसा मन रखा दरकार 22 मार्च को आम वर्ल्ड वाटर डे हिसाब अब्जर्व करुच्छे तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे पे क्वेश्चन आसला फू ऑफ द फॉलोइंग फू ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 ग्रेट रिवोल्ट बेलू 1857 ग्रेट रिवोल्ट बेलू पे ठीक अच्छे गवर्नर जनरल किए थे इंडिया गवर्नर जनरल किए थे इंडिया फू ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 ग्रेट रिवोल्ट बेलू गवर्नर जनरल किए थे प्लान इंडिया तो जाणी रखा दरकार किए थे लॉर्ड कैनिंग थे तो गवर्नर जनरल आम जब कह पे ग्रेट रिवोल्ट 1857 बेले लॉर्ड कैनिंग जी गवर्नर जनरल थे पे बुझिपाल पे वाज द गवर्नर जनरल इन इंडिया ड्यूरींग द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 ग्रेट रिवोल्ट बेलू क्लियर लॉर्ड कैनिंग जी कि गवर्नर जनरल थे वेरी गुड इवनिंग युधिष्ठिर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल पे इंडिया रो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस क्लियर केबे कंडक्ट हेतला तो क्वेश्चन आसला इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस पचार जी पे इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन व्हिच ईयर तो कौ वर्ष ऑफिशियल सेंसस हेतला 1841 1881 1821 1861 ऑफिशियल सेंसस कथा पचारला इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन व्हिच ईयर केबे हेतला पे माने जल्दी कर जल्दी कह पा देखिए फास्ट आंसर किए कौन इंडिया फास्ट ऑफिशियल सेंसस जल्दी कह देखिए फास्ट आंसर किए कौन के तो जमार क्वेश्चन को बुलवनी इंडिया फास्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन 1881 के 1881 मसीह पे ये सेनसस होता ओके मन रखा दरकार एंड इट इज बीन कंडक्टेड आफ्टर 10 इयर्स एंड तो समस्त मन रखा दरकार पे क्लियर 10 वर्ष पर जो सेनसस को कंडक्ट कराए प्रथम थर पर ऑफिशियल सेनसस के 1881 लास्ट टाइम 2011 हेइतला प्लान एंड तुम जानि रखा दरकार लास्ट टाइम के 2011 हेइतला प्लान ऑल क्लियर बुझिपारिल वेरी गुड बहुत बढ़िया मोनालिसा महांती वेरी गुड इवनिंग नेक्स्ट पे बैटल ऑफ गोवा इन व्हिच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फॉट तो बैटल ऑफ गोवा के बैटल ऑफ गोवा जल्दी कह बैटल ऑफ गोवा इजी क्वेश्चन तो बैटल ऑफ गोवा जदि कह 1510 1510 रे पे बैटल ऑफ गोवा हेइतला गोवा बैटल ऑफ गोवा के 1510 All clear, very good. Next, Sipahi Mutiny, most important questions. Sipahi Mutiny in India started from this. तो पहला Sipahi Mutiny ना कौन जगह स्टार्ट है इतना? मेरुट रू, बरेली रू, चंपारण रू, राजकोट रू. जल्दी कहिए बो. फटाफट आंसर करो देखा फास्ट आंसर की क्वेश्चन थी Sipahi Mutiny. Sipahi Mutiny. जल्दी कहिए बो. कौन जगह स्टार्ट है इतना Sipahi Mutiny इटा? Easy question. तो Sipahi Mutiny इटा हमें कहिए बाय कौन स्टार्ट है इतना? मेरुट रू स्टार्ट है इतना. केबे ना 28 में 1857 1857 रे पिला माने 28 मे 1857 रे हम जदि का मेरुटु सिपोई मिटिनी रे स्टार्ट हेतला पले माने डाउट क्लियर बुझिबा त सिपोई मिटिनी रे स्टार्ट हेतला 1857 रे कोटु ना मेरुटु वेरी गुड बहुत बडा पले माने कोइ परिबो सैंडस्टोन गुडे को टाइप रॉक सैंडस्टोन गुडे को टाइप रॉक जल्दी कहबो पले जल्दी कह पले क्लियर सैंडस्टोन गुडे कैलक्यूरियस रॉक नाम कह पले इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक ना सेडिमेंटरी रॉक जल्दी कहबो सैंडस्टोन कोई पे सैंडस्टोन कोई मार्बल कोई सैंडस्टोन कोई पढ़ी क्वेश्चन आंसर कह सैंडस्टोन गोटे को टाइप रॉक पचारा को टाइप रॉक टा सैंडस्टोन टा गोटे को टाइप रॉक पे मैंने तो मन रखा दरकार कदापि क्वेश्चन को बुलवन सैंडस्टोन गोटे सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंटरी रॉक ऑल क्लियर तो सैंडस्टोन गोटे को टाइप रॉक सेडिमेंटरी रॉक तो ए स्टैंडर्ड तुम क्वेश्चन आसपारे पे सैंडस्टोन व्हिच टाइप ऑफ रॉक सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंटरी रॉक पे डाउट क्लियर बुझिपार वेरी गुड जदि कह यार डीपेस्ट पॉइंट पे यार्थर डीपेस्ट पॉइंट जानिच मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन तो को ओशियन रे हम जदि कहबा मारियाना ट्रेंच अछि जल्दी कहबो ओके यार्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मारियाना ट्रेंच इट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन तो को ओशियन रे मारियाना ट्रेंच अछि जल्दी कहबो देखा फर्स्ट आंसर की कहउछन यार्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन तो को ओशियन रे मारियाना ट्रेंच अछि जल्दी कहबो देखिए फर्स्ट आंसर की कहउछन अटलांटिक आर्टिक इंडियन पैसिफिक जल्दी कहबो देखिए फर्स्ट आंसर की कहउछन तो क्वेश्चन आंसर कोन हबो जानि रखा दरकार एंड जानि छबी कहबार आवश्यकता नै दैट इज पैसिफिक क्वेश्चन ओके मारियाना ट्रेंच जदि कहबा प्लान है मारियाना ट्रेंच जदि कहबा कोडिस ना पैसिफिक क्वेश्चन जानि रखा दरकार बे ऑल क्लियर बुझि पाल पिला माने वेरी गुड तो केते गभीर रे अछि 36,070 फीट बिलो द सी लेवल तो सी लेवल रो केते गभीर रे अछि आमका 36,070 फीट
ଗଭୀରରେ ଆମେ କହିବା ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଅଛି ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଲାଇକ୍ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲିୟର ନା ଡିପେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଚ୍ ପେସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତ କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି କେରଳାର ନା ଗୁଜରାଟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜଲ୍ଦି କହିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି କହିବ ଜଲ୍ଦି କହିବ ଜଲ୍ଦି କହିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତ କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କି କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଆସେ ନା ଗୁଜରାଟ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଜରାଟ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଆନ୍ସର୍ ହବ ତୁମର ଗୁଜରାଟ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହବ କ୍ଲିୟର ପାଖାପାଖି ଗୁଜରାଟ କେତେ କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା କେତେ ନା ଆମେ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 1214.7 kilometers ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ ମାର୍ବଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ରକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ମାର୍ବଲଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ରକ୍ଟା ମାର୍ବଲଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ରକ୍ ମାର୍ବଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ରକ୍ ମାର୍ବଲଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ରକ୍ ପିଲା ଜଲ୍ଦି କହିବ ଜଲ୍ଦି କହିବ ମାର୍ବଲଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ ରକ୍ ମାର୍ବଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ରକ୍ ମାର୍ବଲଟା କୋଉ କାଟେଗୋରି ରକ୍ର କୋଉ କାଟେଗୋରି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ନା ଇଗ୍ନିଓସ୍ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବ ମାର୍ବଲଟା ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କହିବ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମାର୍ବଲ ଯଦି କହିବା ମାର୍ବଲ ଗୋଟେ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ପିଲାମାନେ ତ ମାର୍ବଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ କାଟେଗୋରି ଆସେ କ'ଣ ନା ମାର୍ବଲଟା ବୁଝିପାରିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଯଦି କହିବା ଲାଇକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ଟା ଓକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ଟା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି କହିବ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଫେସବୁକ୍ ମେଟା ଚଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଡ଼ା ସୁଧାଂଶୁ ଚଲ ସୁନା ପିଲା କ୍ଲିୟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କୋଉ ପାର୍ଟରେ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କହିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନିପାରେ ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଜାଣିଛ କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ ନା ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଓକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମେ କହିବା ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଏ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ଜଲ୍ଦି କହିବ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ସେଭେନ୍ଥ 42, 44, 74 ତ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ଜଲ୍ଦି କହି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ତ ଆମେ କହିବା 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ 42 ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ତ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ 42 42 ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କାହାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କହିବ ହୁ ଅଥର୍ଡ ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ହୁ ଅଥର୍ଡ ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କାହାର ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ପିଲାମାନେ ହୁ ଅଥର୍ଡ ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବା ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ପିଲା ଜାଣିଛ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍ ନା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର 281 ବିୟଣ୍ଡ ଜାଣିଛ ବିବିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସେ ରିଷ୍ଟ ଆସୋର୍ଡ ଗୁଣ୍ଡାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଆସେ ବିଲିଭ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟଟ୍ ମି ସୁରେଶ ରେନା ଆସେ ଏଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ରିସାଇନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ସରି ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ପିରିୟଡ୍ ହବ ପିଲାନେ କାହା ସମୟରେ କ୍ଲିୟର ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ପିରିୟଡ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପିଲାନେ କାହା ସମୟରେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଯେ କି ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କାହା ସମୟରେ ଓକେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ପିରିୟଡ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କାହା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଜଲ୍ଦି କହିବା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି
ତ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିପାରେ ତ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ପିଲାମାନେ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଯିଏ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସରି ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1536 1540 1556 1524 ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ ଜଲ୍ଦି କହିବ ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ ଫଟ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ କେବେ ଫଟ୍ ମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1536 1540 1556 1524 ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ ଜମାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭୁଲିବନି କେବେ ହେଇଥିଲା ତ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ଅନ୍ 1540 କ୍ଲିୟର୍ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର୍ ହୁମାୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେରଶା ସୁରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ 1740 ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦି କହିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କହିବ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ବି ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ ସ୍ପିଡ୍ କାହିଁ ହଉ ନଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫଟାଫଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ କହିବା କେତେ ନମ୍ବର ବି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଜଲ୍ଦି ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 କ୍ଲିୟର୍ ତ ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦି କହିବ ତିନିଟା ଯାକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରି ରଖେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ପିଲାମାନେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦି କହିବ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କରି ଦେଖିବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦି କହିବ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଲ୍ଦି କହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲା ଆର୍ଟିକେଲ୍ କେତେ ଆସିଲା 352 ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ଆସେ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ ଆର୍ଟିକେଲ୍ 356 ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଚଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଟିକେ ରହିଲ ୟେସ୍ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଶୋ କଲା କି ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଲାଗିଲେ ନାଇଁ ୟେସ୍ ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଯଦି କହିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 360 ତାପରେ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲେ କେବେ ହବ କେତେ ହବ ନା କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲେ 356 ତ 356 କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି କହିବା 360 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ତିନିଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଦାପି ଭୁଲିବନି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ତିନିଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି 52 56 60 ବୁଝିଲ ବାଇହାଟ୍ କରିଦେବ ପୁରାପୁରି ବାଇହାଟ୍ କରିଦେବ କ୍ଲିୟର୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 352 ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 360 ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକେଲ୍ 356 ତିନିଟା ଯାକ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର୍ ବୁଝିପାରିଲ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବୁଝୁଥିବ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରାଇଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ ତ କୋଉ ରାଇଟ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କରାଗଲା ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କରାଗଲା ଜଲ୍ଦି କହିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରାଇଟ୍ସ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଜଲ୍ଦି କହିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କହିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରାଇଟ୍ସ ହେଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିମୁଭ୍ କରିକି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କରାଗଲା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିମୁଭ୍ କରି ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଓକେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ତୁମର ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି
ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल जोटा कि कन्याकुमारी अच्छे पाला क्लीयर 1970 1970 मसीह बिल्ड कराइला स्वामी विवेकानंद स्मृति उद्देश्य रे तो स्वामी विवेकानंद स्मृति उद्देश्य 1970 मसीह पाला क्लीयर ये कह विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाई पाला बुझल वेरी गुड बहुत बढ़िया पाला नेक्स्ट ऑन व्हिच ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व डेज डे और दिवस एज ए ट्रिब्यूट टू भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु पे भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को पिला जो दिन फांसी दिया जाच तो से ही दिन को कौ दिवस हिसाब से कौ डे हिसाब से ऑब्जर्व कराए भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को जो दिन फांसी दिया पे से ही दिन को कौ दिवस हिसाब से कौ डे हिसाब से ऑब्जर्व कराए जल्दी कह प्रोटेस्ट डे शहीद दिवस ट्रिब्यूट डे नाम कह पाने आम कौच कौन जाच मुबार आवश्यकता ना कही रखे शहीद दिवस मार्च 23 शहीद दिवस राजगुरु भगत सिंह एंड सुखदेव कर डेथ जो फांसी दिखाई से शहीद दिवस हिसाब से ऑब्जर्व करुचे के फांसी दिखाई 1931 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टा कहा द्वारा डिस्कवर होता जल्दी कह इलेक्ट्रॉन टा कहा द्वारा डिस्कवर होता 1897 मसीह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुम जाच आटम सेंटर रे कौन अच्छी आटम सेंटर रे कौन अच्छी वन मिनट पे भलसे काटि रखे क्लीयर न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस चारिपट डिफरेंट ऑर्बिट एंड सेल अच्छे जाच तुम जो ऑर्बिट और सेल रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गुड़ाक कौन करते रिवॉल्व करते नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे पे क्लीयर तो क्वेश्चन आसला जो इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करुछ जो इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करुछ तार चार्ज कोन ताको डिस्कवर करथिले कि तो जानि रखा दरकार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जदि कहबा इलेक्ट्रॉन रो डिस्कवरर किए जानि रखा दरकार पने इलेक्ट्रॉन रो डिस्कवरर होछन जे जे थॉमसन प्रोटॉन आसला रदरफोर्ड गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन आसला चैडविक न्यूट्रॉन आसले के आसंदि चैडविक जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसले रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन आसंदि डाउट क्लियर बुझि पाललो बुझिला ना बुझिलानी तो ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो तो सांसन जानि रखा दरकार जे जे थॉमसन तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो ऑल क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया जे जे थॉमसन एंड जदि कह इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन नेगेटिव चार्ज पिला माने वेरी गुड नेक्स्ट पेरी क्यूरी जाको पिला नोबेल प्राइज मिलितला 1903 मसिया फिजिक्स कैटेगरी रे क्लियर पेरी क्यूरी मेरी क्यूरी एंड हेनरी बैक्यूरेल दे डिस्कवरी इज रिलेटेड टू डेथ तो पेरी क्यूरी मेरी क्यूरी एंड हेनरी बैक्यूरेल कहा सहित रिलेटेड पिला माने एक्सरे सहित थर्मोडायनामिक्स सहित मिरर इमेज सहित ना रेडियो एक्टिविटी सहित रिलेटेड तो मन रखा दरकार क्वेश्चन आंसर कौन हम ए क्वेश्चन आंसर कौन पे ना क्वेश्चन आंसर हम कौन हम रेडियो एक्टिविटी करेक्ट आंसर कौन हम ना रेडियो एक्टिविटी राइट आंसर हम दीप्ति मई जेना सार प्लीज रिप्ले मी कौन तुम क्वेश्चन पचार मत कह क्लीयर बुझला ना बुझला तो आंसर कौन हम ना रेडियो एक्टिविटी तो नोबेल प्राइज मिलता पे मैंने मेरिक्यूरी पेरिक्यूरी हेनरी बैक्यूरेल कौन डिस्कवर करते रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर पाने क्या रिलेटेड ना रेडियो एक्टिविटी लाइक कहवाई पे लाइक हेनरी बैक्यूरेल को एंड मेरिक्यूरी पेरिक्यूरी क्या रिलेटेड आम रेडियो एक्टिविटी सहित रिलेटेड पे एंड हेनरी बैक्यूरेल 1903 रे नोबेल प्राइज पाते पे नेक्स्ट व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान टा का पर बेस अपन थिला रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमिक रिफॉर्म थर्ड फाइव ईयर प्लान टा का पर बेस अपन थिला जल्दी कहबो व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान रो मेन मोटिव कोन थिला रूरल डेवलपमेंट थिला ना एग्रीकल्चर थिला ना फाइनेंशियल इंक्लूजन ना इकोनॉमिक रिफॉर्म थर्ड फाइव ईयर प्लान का बेस ओपन था जान रखा दरकार तो थर्ड फाइव ईयर प्लान इकोनॉमिक रिफॉर्म ऊपर बेस ओपन था पे एग्रीकल्चर जमा रूप में थर्ड फाइव ईयर प्लान पचारे थर्ड फाइव ईयर प्लान पचार बार बार तुम्हें कौन थर्ड फाइव ईयर प्लान द मेन मोटिव ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान इकोनॉमिक रिफॉर्म थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 to 66 ऑल क्लियर बुझी पार वेरी गुड जदि कह आयुष जी कि आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट कर पाने तो कौ दिन को आयुर्वेद डे हिसाब से सेलिब्रेट कराए जान रखा दरकार आयुर्वेद डेटा धनवंतरी बर्थडे को पे आयुर्वेद डे हिसाब से ऑब्जर्व कराए एंड
ଏଇ ବର୍ଷ 23 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାହାର ବାର୍ଥଡେ ପିଲାମାନେ? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆୟୁର୍ବେଦ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବ କାହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ଆବାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଫଟାଫଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବ। ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଫଟାଫଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବ। ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମିଳିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ? କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେନି? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ମିଳିଛି ପିଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ 2022ର? ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କହିପାରିବେନି? ତନୁଜା ନେସାରୀ। ତନୁଜା ନେସାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଜମାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭୁଲିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକ୍କା ବନିପାରେ ପିଲାମାନେ। ତନୁଜା ନେସାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିପାରେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଡେ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ବର୍ଥଡେ 23 ଅକ୍ଟୋବର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ପାଲକିଙ୍ଗ। ସାର୍, ମୁଁ 2 ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ ଆଟା 24/7 ଓଡ଼ିଆର ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ଶୋ କରୁନି, ମୁଁ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବି? ୟେସ୍, ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ତୁମେ କନେକ୍ଟ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ହେଲା? ତୁମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ତୁମ ରିସିପ୍ଟଟା ମୋତେ ସେୟାର କର, ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟଟା ତୁମ ମେଲ୍ରେ ଆସିଥିବ, କ୍ଲିୟର୍? ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତୁମର କ୍ଲାସେସ୍ ଶୋ କରିବ, ଡୋଣ୍ଟ ପରି, ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୋତେ ରିସିପ୍ଟ ସେୟାର କର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ, ହେଲା? ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ ୟା ବିଭୂତି ଦାସ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ତୁମେ ପାଇଯିବ, ହେଲା? ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ। ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖା ଦରକାର, କିଏ ନା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପାଳ କିଙ୍ଗ ଧର୍ମପାଳ, ତ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି, ଯଦି କହିବ ଦ ପିରିୟଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍, ତ କେଉଁ ପିରିୟଡ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଏ? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ଦ ପିରିୟଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍, ତ କେଉଁ ପିରିୟଡ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ଦ ପିରିୟଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍, ତ କେଉଁ ଏଡିରୁ କେଉଁ ଏଡିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଯଦି କହିବା 1206-1526କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର? ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି 1206-1290, ଖିଲିଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି 1290-1320, ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି 1321-1413, ସୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି 1414-1450, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି 1451-1526, 1206-1526କୁ ଆମେ 1526କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଫରେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡ଼ିଓସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ନା ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ଫେମସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡ଼ିଓସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ୟା ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି, ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା କହିବା କୋଉଠି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଜାଣିଛ? ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ, ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖି ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଦ୍ଭିଦଟା ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ପିଲାମାନେ, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ମୁସି ଆଣ୍ଡ ଭୀମା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ମୁସି ଭୀମା କେଉଁ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? ମୁସି ଆଣ୍ଡ ଭୀମା ବୋଥ୍ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? ମୁସି ଭୀମା, କ୍ଲିୟର, କେଉଁ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁସି ଆଣ୍ଡ ଭୀମା ଆର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର, ତ କେଉଁ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମୁସି ଭୀମା? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ, କାବେରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା। ମୁସି ଆଣ୍ଡ ଭୀମା ବୋଥ୍ ଆର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର, ତ କେଉଁ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମୁସି ଭୀମା? ମୁସି ଭୀମା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର, ମହାନଦୀର, କାବେରୀର ନା କ୍ରିଷ୍ଣାର? ତ ମୁସି ଭୀମା ଆସିଲା, ମୁସି ଆଣ୍ଡ ଭୀମା ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର, ଭୀମା ରିଭର ଆସିଲା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ରିଭର ଆସିଲା, କୋଏନା ଆସିଲା, ମୁସି ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ମାଳପ୍ରଭା ରିଭର ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କୁନ୍ଦାଲି ରିଭର ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଘାଟପ୍ରଭା ରିଭର ଆସିଲା, ୟର୍ଲା ରିଭର ଆସିଲା, ୱର୍ଣ୍ଣା ରିଭର ଆସିଲା, ଇଏ କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭରର, ତ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଯଦି କହିବା, ମୁସି ଭୀମା ବୋଥ୍ ଆର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ
वाज फर्स्ट एस्टाब्लिश इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कौ बायोस्फीयर रिजर्व टा फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टाब्लिश हितला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टाब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट कौ बायोस्फीयर रिजर्व टा एस्टाब्लिश हितला तो कौ बायोस्फीयर रिजर्व पिला माने जानी रखा दरकार तो आमे जदी कहबा ए भितर कौ बायोस्फीयर रिजर्व टा दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फाउंडेड हितला 1986 रे पिला माने क्लियर नेक्स्ट आमका सुंदरबन 1989 नेक्स्ट आमका नंदादेवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व 1988 गुल्फ ऑफ मन्नार 1900 कोन ना 89 तुम्हें विभूति दास सर्च करो ना तो विभूति दास टेलीग्राम सर्च करो मत पाई जो नहीं तो अड्डा रो जो टेलीग्राम अच्छी से टेलीग्राम रे मु अच्छी तुम्हें पाई जो मत ठीक अच्छे क्लियर अड्डा रो जो टेलीग्राम अच्छी तो से टेलीग्राम तुम्हें पाई जो क्लियर वेरी गुड दीप्ति मो सहित कंटाक्ट कर मो तुम जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी किसी न कल तुम क्लास पाइज ना डोंट वरी से जमा व्यस्त हम नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन आसा नंदादेवी पिक इज लोकेटेड इन डैश तो नंदादेवी पिक जल्दी कह नंदादेवी पिक इज इन सिक्किम उत्तराखंड जम्मू काश्मीर आसाम नंदादेवी पिक इज इन लोकेटेड इन डैश नंदादेवी पिक टा को जगह अच्छे सिक्किम रे उत्तराखंड रे जम्मू काश्मीर ना आसाम रे जल्दी कह नंदादेवी पिक इज लोकेटेड इन जल्दि कह नंदादेवी इज इन डैश सिक्किम उत्तराखंड जम्मू काश्मीर ना आसाम जल्दी कह देख फास्ट आंसर किए कौन नंदादेवी पिक जाच नंदादेवी तो नंदादेवी पिक सेकेंड हाएस्ट माउंटेन इन इंडिया एट तुम जान रखा दरकार 23 हाएस्ट पिक इन वर्ल्ड एट तुम जान रखा दरकार कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी इज इन उत्तराखंड इज इन उत्तराखंड तो नंदादेवी इज इन उत्तराखंड पे क्लियर तो कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अच्छे पे वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज कौ रिवर टा मैक्सिमम कंट्री रे पास करिस मैक्सिमम कंट्री रे पास करिस कौ रिवर टा जल्दी कहबो व्हिच रिवर पासेस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंट्री जल्दी कहबो कौ रिवर टा मैक्सिमम कंट्री रे पास करिस पिला माने मैक्सिमम कंट्री पास करिस व्हिच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री तो कौ रिवर टा वोल्गा दानोबे अमेजन ना रिने जान रखा दरकार दानोबे रिवर पासेस थ्रो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंट्री तो मैक्सिमम कंट्री को कौ रिवर टा पास करी ना सी होची दानोबे दानोबे ऑल क्लियर केतरा कंट्री पास करी छी 10टा कंट्री से पास करी छी पिला माने ऑल क्लियर तो आंसर कोन दानोबे तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो वेरी गुड बहुत बड़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड टा यूनिफॉर्म सिविल कोड टा केतन आर्टिकल क्लास टाइमिंग 7टा सबुदिन संध्या 7टा सकाळ 10टा 15 करंट अफेयर क्लासेस एवरीडे करंट अफेयर क्लासेस 10टा 15 संध्या 7टा जोडा कि तमरो जनरल नॉलेज वाला क्लासेस ओके तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड केतन आर्टिकल जानिचो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 होच कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड पिला माने ओके बुझिबाला इट इज मेंशनड अंडर डीपीएसपी बा हमका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर तो पिलाने कोई परबो की तो को आर्टिकल दा हमको सूचउची प्रति स्टेट रे गोटे गवर्नर रहबे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल बी विल हैव अ गवर्नर तो को आर्टिकल टा जानि रखा दरकार पिला माने हमको सूचउची ना कोन ना प्रति स्टेट रे गोटे गोटे गवर्नर रहबे दरकार आर्टिकल 152 आर्टिकल 154 आर्टिकल 151 आर्टिकल 153 गवर्नर केतन नंबर आर्टिकल गवर्नर आसला केतन नंबर आर्टिकल जमारु क्वेश्चन को भूलिबन पिलान गवर्नर आसला केते जानि रखा दरकार गवर्नर जदि कहबा फर्स्ट 91 51 होची सीएजी 52 होची डेफिनेशन ऑफ हम कह पिलाने डेफिनेशन ऑफ हम स्टेट कहबा गवर्नर आसला आर्टिकल 153 बार बार तुमानु कहिछि एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 154 54 होची पावर ता 53 होची गवर्नर ऑल्सो आर्टिकल 153 गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर आसला 154 नेक्स्ट जल्लिकट्टू बुल टैमिंग इवेंट को स्टेट सेलिब्रेट करा छे जल्लिकट्टू तुम जान रखा दरकार पिला माने जल्लिकट्टू जदि कहबा कंसंट्रेट करिक सुना दो जल्लिकट्टू तमिलनाडु सुत रिलेटेड पिला माने तमिलनाडु जल्लिकट्टू फेस्टिवल आज हम डिस्कशन करथिले सकाळ करंट अफेयर क्लासेस रे तमिलनाडु सुत रिलेटेड जल्लिकट्टू फेस्टिवल जे के हम कोछ पिला माने कंसंट्रेट करिक सुनबो बुल टैमिंग फेस्टिवल पिला माने पोंगल रे ए जो फेस्टिवल को
ओके माटू पोंगल रे पिला ने जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा सै कोडी ना तमिलनाडु रे ऑल क्लियर बुझी पालो पिला माने वेरी गुड तो आंसर मन रखा दरकार कोनो ना तुमर क्वेश्चन आंसर कोनो ना जालीकोट असला मन रखा दरकार से कोनो बो ना तमिलनाडु तुमर करेक्ट आंसर हो हॉर्नबिल फेस्टिवल पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल टा को स्टेट से रिलेटेड हॉर्नबिल फेस्टिवल तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो को स्टेट और यूनियन टेरिटरी हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा हॉर्नबिल फेस्टिवल जल्दी कहबो हॉर्नबिल फेस्टिवल को स्टेट और यूनियन टेरिटरी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा से नागालैंड तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड एज हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड रे सेलिब्रेट कर डिसेंबर 1 को स्टार्ट हुए डिसेंबर 10 पर्यंत ऑर्गेनाइज करा से 10 दिनिया फेस्टिवल पिला माने दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी गुड नेक्स्ट H4 सेंसस 2011 2011 सेंसस वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी केते थिला ओडिसा रो ओडिसा रो पॉपुलेशन डेंसिटी केते जदि कहबा 2011 जदि को H4 सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ओडिसा ओडिसा रो पॉपुलेशन डेंसिटी तो पिला माने पॉपुलेशन डेंसिटी कोन गोटे स्क्वायर किलोमीटर एरिया भीतर उठो लोक संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी को छै तो पॉपुलेशन डेंसिटी केते थिला ओडिसा रो 270 मैक्स जदि कहबा पॉपुल जदि कहबा मैक्सिमम डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट आसला से उछि पिला माने खुर्दा जदि कहबा मिनिमम डेंसिटी बा का लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कंधमाल हाईएस्ट खुर्दा लोएस्ट कंधमाल जदि ओडिसा रा पॉपुलेशन डेंसिटी केते 270 270 उछि ओडिसा रा पॉपुलेशन डेंसिटी ओटे स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे पिला माने रोथवा लोक संख्या का कोन कोन पॉपुलेशन डेंसिटी कोछंती सातकोसिया रिजर्व इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा ओडिसा रा को डिस्ट्रिक्ट रे सातकोसिया आछि तो ओडिसा रा को डिस्ट्रिक्ट रे सातकोसिया आछि तो सातकोसिया जदि कहबा जानि रखा दरकार अनुगुल रो छिला अनुगुल अनुगुल राम कहबा सातकोसिया आछि सातकोसिया गोट रामसार साइट रो मान्यता मध्ये मिलितला पिला रामसार साइट रो मान्यता मध्ये सातकोसिया को मिलितला ओके तो ओडिसा रे केत रामसार साइट अछि ना 6टा कोन कोन चिलिका आसे नेक्स्ट कहितली भितरकनिका आसे बार बार तुमान सुद डिस्कशन करछि क्वेश्चंस बनि पारे भितरकनिका आसे नेक्स्ट हम कहबा सातकोसिया आसे क्लियर सातकोसिया आसे नेक्स्ट हम अंशुपा आसे अंशुपा नेक्स्ट हम कहबा तांपोरा आसे तांपोरा नेक्स्ट हम कहबा हीराकुद ओके हीराकुद क्लियर ए सब कोन नामरो रामसार साइट गुडा पिला माने ओडिसा रे 6टा रामसार साइट अछि एंड सातकोसिया को मधे रामसार साइट रो मान्यता मतन मिली छि पिला माने को डिस्ट्रिक्ट अछि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अछि कोडी अनुगुल वेरी गुड तो व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस टाइगर रिजर्व व्हिच इज सिचुएटेड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा ओडिसा रो जो मयूरभंज रे पिला माने टाइगर रिजर्व अछि ओके ओडिसा रो जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अछि टाइगर रिजर्व स्थान आ कोन तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस टाइगर रिजर्व व्हिच इज सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा ओडिसा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे थिबा टाइगर रिजर्व रो नाम कोन सातकोसिया सिमिलीपाल पाना नन ऑफ द अबव तो ओडिसा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट थिबा कोन ना टाइगर रिजर्व नाम कोन सातकोसिया सिमिलीपाल पाना या नन ऑफ दिस जानि रखा दरकार दैट इज सिमिलीपाल तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व अछि तुम समस्त जानि रखा दरकार एडा भी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पई बनि पारे पिला माने ऑल क्लियर बुझि पारिलो पिला माने क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट जदि कहबा नरेंद्र टैंक इन पुरी बिल्ट बाय कपिलेंद्र देव मेमोरी ऑफ टेस्ट कार स्मृति उद्देश्य रे पिला माने नरेंद्र टैंक को बिल्ट करा आइतला तो तुम जानि रखा दरकार नरेंद्र टैंक को बिल्ट करा आइतला कपिलेंद्र देवंकर ना कपिलेंद्र देव पिला माने जानि रखा दरकार पिला माने ना कपिलेंद्र देवंक द्वारा बिल्ट करा आइतला कार स्मृति उद्देश्य रे ना तांकर सानो भाई नरेंद्र देवंक स्मृति उद्देश्य रे नरेंद्र पुष्करणी को बिल्ट माने कोन ना लाइक कहबा खोला जाइतला पिला माने कंस्ट्रक्ट करा आइतला ऑल क्लियर तो नरेंद्र पुष्करणी को कंस्ट्रक्ट करा आइतला कार स्मृति उद्देश्य रे तांकर यंगर ब्रदर कपिले जदि कह यंगर ब्रदर के नरेंद्र देव को स्मृति उद्देश्य राखु क्लियर नाकू कहबा कंस्ट्रक्ट करा आइतला पिला माने नरेंद्र पुष्करणी को क्वेश्चन आसला हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल बा हम कहबा गुरुकुल वैदिक स्कूल रो वैदिक स्कूल टा कहा तरह एस्टैब्लिश हेतला हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल तो गुरुकुल टा कहा तरह एस्टैब्लिश हेतला गुरुकुल टा कहा तरह एस्टैब्लिश हेतला स्वामी दयानंद सरस्वती को द्वारा पिला माने क्लियर गुरुकुल बाद्रा की वैदिक स्कूल एस्टैब्लिश हेतला का द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को द्वारा ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना स्वामी दयानंद सरस्वती तुम्हारा करेक्ट आंसर हो पिला माने व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश तो बांग्लादेश जो ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाए दैट काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड एज दिस दैट कॉल्ड एज सकरेन ओके दैट इज कॉल्ड एज सकरेन गोटा ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल टा कोड सेलिब्रेट करा जाए बांग्लादेश रे सेलिब्रेट करा जाए ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड एज सकरेन वेरी गुड बहुत बड़ा पिला माने नेक्स्ट तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा पिला माने रिवर ऑफ द ट्रिब्यूटरी वाला क्वेश्चंस पक्का बनि पारे सुवर्णरेखा रिवर रो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी टा कोटा तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा जानि रखा दरकार खरकाई तो खरकाई इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा
डाउट क्लियर। तो खरकई इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा, खरकई डैम इज सिचुएटेड इन ईशान ओडिशा। तो मन रखा दरकार लाइक खरकई पे लाइक कहते हैं खरकई डैम अच्छी एंड खरकई इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा। तो सुवर्णरेखा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हूँ कौटा खरकई। वेरी गुड। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज टू ऑर्गेनिक सॉरी इज टू ऑर्गेनाइज ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल दैट इज जो कुटपुई। तो कौ स्टेट गवर्नमेंट जो कुटपुई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे, जो कुटपुई फेस्टिवल को पिला माने कौ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करे पिला माने। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज टू ऑर्गेनाइज द ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड जो कुटपुई। जो कुटपुई फेस्टिवल को कौ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करे, तो जो कुटपुई जदि कहबा मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो कुटपुई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा जाए। तो जो कुटपुई आसले कौन हम मिजोरम तुम्हारो करेक्ट आंसर हम। डाउट क्लियर बुझी पार। वेरी गुड। बहुत बढ़िया पे। तो जो कुटपुई मिजोरम गवर्नमेंट द्वारा जो कुटपुई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा जाए पे। अकॉर्डिंग टू रामायण नेम ऑफ ओडिशा, रामायण रे ओडिशा को पिला माने ओडिशा को कौ ना अनुसार पिला माने कौन कराई छी ना ओडिशा का ओडिशा रा ना कौन यूज कराई छी रामायण रे। तो ओडिशा को पिला माने रामायण रे कलिंग नगर बोली व्यवहार कराई छी। रामायण जो ओडिशा को व्यवहार कराई छी बडा ओडिशा ना को जो व्यवहार कराई छी कलिंग नगर बोली व्यवहार कराई छी। तांसा करबि तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखतिबो। ऑल क्लियर बुझी पारिलो पिला माने। एंड तुम जो चाहूचो आटा 24/7 स्टोर रु ओडिशा पुलिस कांस्टेबल रो बेच को एनरोल करी क्लासेस करिया पई Y21 प्रोमो कोड यूज कर तुम्हें योद्धा बेच को एनरोल कर पारो। लक्ष्य 2.0 OSSC CGL रो बेच एंड ए बेच पई भी तुमको Y21 प्रोमो कोड यूज करबार अछि। सार्थक प्रो बेच हाई स्कूल टीचर बेच ओडिया सेट एग्जाम आप पे किबा जे कोनो से बेच असला प्रोमो कोड Y21 यूज करया पई जमर भूलियोन पिला माने। एंड आवर रिजोल्यूशन इज योर सिलेक्शन यस पिला माने यूज माय कोड Y21 एंड गेट फ्लैट 17% डिस्काउंट। जदि सेशन को लाइक करिनो सेशन को एबे बर्तन लाइक करो, शेयर जदि करिनो शेयर करो, वैल्यूएबल कमेंट्स दबो जो कमेंट्स की मत आउरी भी मोटिवेट करिवो तुमान पई एमिति एनर्जेटिक क्लासेस नै कैसे पई। सब्सक्राइब जदि करिनो चैनल को एबे दिल से सब्सक्राइब करिवो। जो माने भी न्यू स्टूडेंट अछन हम कमिटमेंट करूची चेष्टा करूची सब दिन ओडिसा पुलिस कांस्टेबल रो क्लासेस नै कैसे पई। जदि तुमे सब्सक्राइब करिनो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करो पिला माने चैनल को। थैंक यू, लव यू, गुड नाइट, मिसिबा आसंता काली ठीक 10:15 करंट अफेयर सेशन रे धमाकेदार करंट अफेयर संध्या 7:00 ओडिशा पुलिस कांस्टेबल रो आउरी भी किछ धमाकेदार क्वेश्चंस नै कैसेबी डिस्कशन करबी। लव यू ऑल, गुड नाइट, मिसिबा काली ठीक 10:15 एंड संध्या 7:00 ओडिशा पुलिस रो कांस्टेबल क्लासेस रे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।